Good morning, class. Today, uh, आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो एक दूसरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट वेट अ मिनट आज के क्लास में जो अकाउंट्स में समझना है हम लोग को कुछ अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स है ठीक है और किस बेसिस पे अकाउंट हमारा बनता है ठीक तो अब जैसे कि देखिए एक बात याद रखिए जो अकाउंट जो हमारा प्रिपेयर होता है वो कुछ एजम्पन्स पे प्रिपेयर होता है ठीक है तो हम लोग ने पढ़ा था अकाउंट्स में कि कुछ बेसिक अजम्पन्स होते हैं जैसे मैथ में हम लोगों का प्लस माइनस होता है अगर हम लोग बात करें मैथ की तो मैथ में हमारा प्लस और माइनस होता है वैसे ही अकाउंट में अगर हम लोग सिर्फ मैथ की बात करें वर्सेस अकाउंट हम अकाउंट की मीनिंग समझी थी तो अकाउंट में मैथ में जैसे कि हमारा प्लस और माइनस होता है जो आपस में क्या होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं सेट ऑफ करना ठीक है आपस में ही कटता है इसी तरह अकाउंट्स में भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है और इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि ये भी क्या होता है ल्यूकस पचारियों ने कंसेप्ट दिया था फोरटीन नाइन्टी फोर्टीन नाइन्टी फोर में इटली शहर के अंदर वेनिस में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जाँच किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि एवरी अकाउंटिंग है डेबिट एंड अ क्रेडिट सिमिलरली एज अ मैथ में प्लस एंड माइनस होता है वो आपस में सेट ऑफ होता है तो डेबिट एंड क्रेडिट भी क्या आपस में क्या होता है सेट ऑफ होता है ठीक है तो अब डेबिट और क्रेडिट भी आपस में दूसरे को काटता है ठीक है इसके अंदर भी क्या लिखी जाती है वैल्यूज़ लिखी जाती है क्या लिखी जाती है वैल्यू लिखी जाती है यहाँ जो वैल्यू होती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आ, आ, वैल्यू ऑफ रुपीस होती है क्या होती है रुपीस या हम लोग कह सकते हैं वैल्यू ऑफ मनी होगा ठीक है तो इसी में भी कोई भी वैल्यू इसमें भी लोग क्या करते हैं लिखते हैं ठीक है वैल्यू ऑफ़ यहाँ मनी नहीं होता यहाँ पे नंबर्स होते हैं ठीक है और अकाउंट में भी जैसे कि मैथ में एक अजम्पन होता है अजम्पन के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते है? हैं लेट डी बी एक्स मानते हैं एक्स एक वैल्यू होती है ये क्या होता है अजम्पन होता है अब ये अजम्पन के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं आंसर्स निकाल लेते हैं या सोल्यूशन सॉल्व कर देते क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ठीक है सिमिलरली अकाउंट में भी एक एजम्पन होता है उसी के बेसिस पे अकाउंट प्रिपेयर होता है अब ये अजम्पन्स जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ठीक है ये क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ठीक है इम्पॉर्टेंट क्यों वो आप समझ जाएंगे क्योंकि ये क्या होता है नाम क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी इसी को हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं अभी को समझिए क्या होता है सेपरेट माने अलग अलग डिफरेंट ठीक और लीगल का मतलब क्या होता है विच इज इन्फोर्सिबिल एट लॉ इन्फोर्सिबल एट लॉ अब इन्फोर्सिबल एट लॉ का मतलब क्या होता है टेकिंग अ मैटर इन टू द कोर्ट टेकिंग अ मैटर Into the the कोड ठीक कोई भी अगर मुद्दे को अगर कोर्ट तक ले जाया जा सके ठीक सूट फाइल की जा सके उसके लगेंस्ट बातें की जा सके वो इनफोर्सेबल एट लॉ कहलाती है एंटिटी मतलब क्या होता है पहचान क्या कह सकते हैं ठीक है तो अब कि ये डिफरेंट इनफोर्सबल लीगल पहचान किसके बारे में बात कर रहा है कौन डिफरेंट है अब इसी को हम लोग को समझना है बस एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि एक सेपरेट है कोई हमसे उसकी एक कानूनी पहचान है ठीक है तो अब ये हम लोग को समझना है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट और इसी बेसिस पर पूरा अकाउंट मेंटेन होता है ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये एंड तक काम आने वाली चीज है ये बिगनिंग है बेस है और इसी के सिद्धांत पर हम लोग अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो अब हम लोग आगे चलते हैं एक नया पेज लेते हैं और समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या समझेंगे कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी स्टार्टेड सेपरेट ऑफ लीगल एंटिटी कंसेप्ट आप समझिए एक लाला जी है समझ लीजिए ये एक बंदा है जिनका नाम है लाला जी इन्हें इन्होंने डिसाइड किया टू स्टार्ट इनका एक बिजनेस था मिनट चलिए स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस उसमें हम समझेंगे एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक लाला जी में कौन है ये है मिस्टर लाला जी सपोज 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 है ये हमारे लाला जी हैं जो कि एक बंदा है एक सोल प्रोप्राइटर समझ लीजिए एक स्मॉल बिजनेस इन्होंने डिसाइड किया ठीक है कि इन्होंने डिसाइड किया कंपनी स्टार्ट करे ठीक है इन्होंने किया कि इन्हों कि इन्हों क्या किया डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस किसका शूज का ठीक है अब हम लोग किसका अकाउंट बनाया सोल प्रोप्राइटर का ये इन्होंने किसका अकाउंट बनाया इन्होंने जो बिजनेस कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटर का वन मैन कंपनी समझ लीजिए वन मैन कंपनी स्टार्ट करने की सोची इन्होंने ठीक है यह हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने सोल प्रोप्राइटर का काम का किया स्टार्ट किया कुछ भी सोल तो बिजनेस पता जिसमें वन एक परसेंट जो होता है मालिक होता है ठीक है तो इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट किया तो अब इस कंपनी इस कंपनी या इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने एक मतलब क्या किया डिसाइड किया क्या डिसाइड किया कि भाई एक चलो आओ भाई एक जो है कंपनी खोलते हैं ठीक है एक कंपनी खोलते हैं इन्होंने एक कंपनी खोली और उसके उन्होंने क्या किया रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी खोलने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में so, रजिस्ट्रेशन लिए नहीं होता लेकिन कंपनी के लिए होता है इन्होंने जैसे रजिस्ट्रेशन कराया ठीक है तो एक कंपनी इनकी वजूद में आ गई ठीक ये किया तो इनकी एक कंपनी बन के चली आई। ठीक। जिसका नाम इन्होंने क्या रखा एक कंपनी बनी एक इनका बिजनेस बन गया ठीक है ये जरा सा इसका डायग्राम बना दू मैं बढ़िया था ठीक है ये इनका फर्म हो गई या शॉप कह सकते हैं इनकी शॉप हो गई और ये शॉप जो थी इनकी ये कौन आ गया इट इज आर्टिफिशियल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये क्या गए ये बन गया आर टी आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है क्रिएटेड बाय बाय लॉ लॉ के तहत एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया ये ठीक है ये तो देखिए लाला जी तो अब ये नेचुरल पर्सन थे नेचुरल पर्सन थे भाई इनको बनाने वाले कौन है अल्लाह है लेकिन जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है शूज का तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और किसमें आर्टिकल मेमोरेंडम में तो इस जन्म किसका हुआ जन्म हुआ किसका एक कंपनी का ठीक है जन्म किसका हुआ एक कंपनी का जन्म हुआ जिसका नाम था जिसका नाम था एक्स वाई जेड लिमिटेड ठीक है थीके? अब ये दोनों एक आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया गया और क्रिएटेड बाय लॉ हो गया तो इसमें देखो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में सेपरेट क्या हो गया मतलब लाला जी की पहचान एंटिटी और इसकी एंटिटी दोनों अलग अलग मानी जाएगी ठीक है अब इन दोनों के बीच में एक क्या आ गया पर्दा आ गया जिसे हम लोग कहते हैं को ऑपरेट को ऑपरेट वेल वेल माने पर्दा अब कोऑपरेट ऑपरेट वेल मतलब क्या हुआ अब इसको समझना अब लाला जी ही सारा पैसा क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में ठीक है क्या करेंगे यही इन्वेस्ट करेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन है ये कौन है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ के तहत बनाया गया है ठीक है और इन्वेस्ट करेंगे यही मैनेजर भी होंगे यही मैनेजर भी होंगे यही डायरेक्टर भी होंगे यही ओनर भी होंगे यही क्रेडिटर भी होंगे लेकिन ये खुद बिजनेस नहीं होंगे ठीक है एज अ एजेंट एज अ एजेंट काम करेंगे ऐसे समझो कि एजेंट काम करेंगे कंपनी के बिहाफ पर और ये इन्वेस्ट करेंगे मान लो इन्होंने किया इन्वेस्ट एक लाख रुपए और इस यही इन्वेस्टमेंट इसके लिए क्या बन जाएगा कैपिटल देखो एक नया वर्ड आया क्या कैपिटल कितने का एक लाख रुपए का कैपिटल का मतलब होता है पूंजी पूंजी ठीक है कैपिटल का मतलब क्या होता है जो बिजनेस में पूंजी लगाते हैं अब ये कैपिटल किस में कंपनी के लिए कैपिटल कहलाएगा और यही चीज लाला जी के लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगी ठीक है तो अब कंपनी को लाला जी ने कहा ठीक है क्या, कहा लाल जी ने कंपनी को कि भाई देखो मैं तुम पर पैसा लगा रहा हूं एक लाख रुपए जो कि कैपिटल है ठीक है ये तुम्हारी जागीर नहीं है तुम्हें हमें वापस करना है मतलब कि इसके पास एक लाख आया प्लस उसके पास क्या आई चिंता आई है चिंता मतलब कि जिम्मेदारी क्या है जिम्मेदारी जिम्मेदारी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं लाइबिलिटी देखो एक और वर्ड आया तो कैपिटल तो एक वर्ड हमारा क्या यहां पे लिखेंगे कैपिटल जो है वो फर्म के लिए जो फर्म के लिए क्या बन गई लाइबिलिटी बन गई क्या बन गई जिम्मेदारी बन गई कैसी जिम्मेदारी कि फर्म को इसे वापस करना है किसे लाला जी को क्या करना है वापस करना है मतलब कि कैपिटल को वापस करना है प्लस इंटरेस्ट के साथ मतलब भैया हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और एक लाख रुपया लगा रहे हैं तो बदले में क्या चाहेंगे कि एक लाख दस हजार तो भैया कम से कम मिले ठीक है तो एक लाख दस हजार का रिटर्न तो होना ही चाहिए ना बिजनेस में तो भाई कंपनी और लाला जी दोनों अलग अलग हैं ठीक है लाला जी और कंपनी अलग अलग माना जाएगा और अकाउंट जो मेंटेन होगा इसी तरह अकाउंट किसके पॉइंट से होगा एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन होगा मतलब कि जो भी एक्सपेंस होंगे कंपनी के और जो भी इनकम होगी कंपनी की वही अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी ठीक है क्या की जाएगी रिकॉर्डेड की जाएगी और लाला जी के जो खर्चे होंगे और अकाउंट जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा एक्सपेंस होगा और जो भी अकाउंट में इनकम होगी लाला जी की वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी ठीक है रिकॉर्ड नहीं की जाएगी मतलब कहने का कि सारे खर्चे और जितने भी इनकम होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा लाला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगा यही इस एक्सम्पन में मेन चीज थी और जो भी लाला जी इन्वेस्ट करते हैं वो फर्म के लिए क्या बन जाती है कैपिटल और कैपिटल को कहते हैं पूंजी जो जिम्मेदारी होती है किसकी फर्म की क्योंकि फर्म एक आर्टिफिशियल परसेंट है उसे कमा करके मालिक को वापस करना जिसने इन्वेस्ट किया उसको वापस करना है ठीक है इसी को लाइबिलिटी करते हैं और लाइबिलिटी हमेशा याद रखना शो क्रेडिट साइट ठीक है ये सब चीजें याद रखना काम आने वाली अब इस पैसे को जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है इस पैसे को फर्म माना जाएगा कि फर्म इससे जा करके कुछ सामान खरीदेगी ठीक है कुछ सामान मशीन्स खरीदेगी क्या खरीदेगी मशीन्स परचेज करेगी ठीक है करेंगे सब कुछ लालाई जी एज अ एजेंट ठीक है किसके नाम से कंपनी के नाम से ठीक है फर्नीचर खरीदा जाएगा बैठने के लिए दफ्तर में फर्नीचर होते ही नहीं होते हैं और एसी कुछ भी कोई भी चीज और प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग्स और यही सारी चीजों को फर्म क्या नाम देती है असेट्स नाम देती है तो असेट की बिजनेस क्या हुई? मतलब मीनिंग क्या हुई एनीथिंग ओन फॉर द बिजनेस ठीक है क्या हो गई असठ की एक नया वर्ड और आया असेट्स एक नया वर्ड क्या है हमारा हमारा एक नया वर्ड यहाँ पे जनरेट हुआ असेट देखो यहाँ पे कैपिटल लाइबिलिटी एक वर्ड जनरेट हुआ था लाइबिलिटी एक वर्ड जनरेट हुआ था हमारा क्या कैपिटल एक वर्ड जनरेट हुआ हमारा क्या असेट असेट क्या होता है बिजनेस कुछ भी परचेज करता है कोई भी चीज़ परचेज किया जा रहा है बिजनेस के लिए किसके लिए बिजनेस के लिए तो वो असेट होता है सिंपल लैंग्वेज में एनी थिंग बाय द फॉर द बिजनेस एनी थिंग ओन्ड फॉर बिजनेस उसे क्या कहते हैं असट कहते हैं अभी असट की डिप्रेशन और अच्छे से हम लोग समझेंगे ठीक है ये सिंपल लैंग्वेज में एक नॉर्मल रिव्यू था तो अब हमारा अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा लाला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगा लाला जी ने अपनी बीवी के लिए एक लाख रुपए का ज्वेलरी ली और बिजनेस में दस हज़ार रुपये का या एक हज़ार रुपये का एक्सपेंस हुआ तो बताओ इस रिकॉर्ड क्या करेंगे एक हज़ार रुपये रिकॉर्ड करेंगे एक लाख रुपए अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सनल खर्चा हो गया तो पर्सनल खर्चे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं खर्चे कौन से रिकॉर्ड होंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस रिकॉर्ड होते हैं तो आज हम लोगों ने तीन न्यू वर्ड सीखे कैपिटल का मतलब सीखा लाइबिलिटी क्या होती है उसका मतलब सीखा असेट की मीनिंग सीखी ठीक है असेट मतलब क्या होता है एनी थिंग ओन फॉर द बिजनेस कोई भी चीज़ अगर बिजनेस के लिए खरीदा जा रहा है ठीक है कोई भी सामान ठीक एसेट्स को तो कोई भी सामान को जैसे कि लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी ये सब क्या होता है एसेट्स होता है और उसको बिजनेस खा जाता है वो वो असेट हो जाएगा एसेट की एक और मीनिंग होती है वो क्या होती है एनी टैंजिबल और इन टैंजबल थिंग वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग मस्ट बी यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन एंड कन्वर्जन ठीक इस कॉल्ड असेट अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कायदे से समझेंगे थैंक यू क्लास